नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24 और मैं हूं नीरज कुमार। वक्त हो गया है दिन भर के बड़ी खबरों का। अमेरिका दौरे पर पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर, अमेरिकी विदेश मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से करेंगे मुलाकात। देश के राज्य सरकारों व कंपनियों ने रूस से मांगी स्पुतनिक वी वैक्सीन, रूसी राजनयिक रोमन वावुस्की बोले विचाराधीन है प्रस्ताव। कई राज्यों में दिखने लगा है चक्रवाती तूफान यास के तेवर, तेज हवाओं के साथ समुद्र में उठी ऊंची लहरें, राहत शिविरों में पहुंचे लोग। DHFL मामले में बैंकों ने ली NCLAT की शरण, कहा NCLT का निर्देश लागू हुआ तो होगा दूरगामी असर। कोरोना को लेकर मोदी सरकार आर्थिक पैकेज की कर रही है तैयारी, ऐसे सेक्टर को बड़ी राहत मिलेगी जिन पर कई राज्यों में स्थानीय स्तर पर लॉकडाउन के कारण असर पड़ा है। ब्लैक फंगस जल्द होगा खत्म, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आवंटित की गई इंफोटेरिसिन बी की करीब 19,500 सीसियां। देश में इंटरनेट मीडिया कंपनियों को बंद करने की खबरों के बीच फेसबुक ने बड़ा बयान दिया, कहा वह सभी IT नियमों का पालन करने के लिए तैयार है। पाकिस्तानी टिड्डी दल के हमले को लेकर प्रशासन ने जारी किया अलर्ट, कंट्रोल रूम और हेल्पलाइन नंबर हुआ जारी। कोविड टूल किट मामले में राहुल गांधी भी कूदे, बोले सत्य डरता नहीं। राहुल ने आगे कहा सरकार को टीकाकरण की परवाह करनी चाहिए। श्री विकास वहल को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में अपर न्यायाधीश नियुक्त किया गया। कृषि कानून वापस लेने की मांग को लेकर किसानों के समर्थन में उतरी BSP मुखिया मायावती। जयंत चौधरी बने RLD के नए अध्यक्ष, 26 को प्रस्तावित किसान आंदोलन का करेंगे समर्थन। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई के दौरान बाहुबली मुख्तार अंसारी ने गिनाई कई मुश्किलें। BJP सांसद वरुण गांधी ने पीलीभीत के 3 अस्पतालों में शुरू कराई सामुदायिक किचन। बिहार में ऑनलाइन हो सकती है CBSE 12वीं की परीक्षाएं, शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा हमारी प्राथमिकता विद्यार्थियों की सुरक्षा है। बिहार के गांव में एम्बुलेंस खरीदने के लिए बिहार सरकार देगी 2 लाख रुपए का अनुदान, 7 दिनों में बैंक अकाउंट में पहुंचेंगे राशि। ओलंपियन सुशील कुमार को रेलवे ने किया निलंबित, CPRO दीपक कुमार ने ट्वीट कर दी जानकारी। दिल्ली हाईकोर्ट ने फिल्म राधे की पायरेटेड प्रतियों को साझा करने, संग्रहित प्रसारित और बेचने वालों के अकाउंट को तत्काल निलंबित करने के लिए व्हाट्सएप को दिया निर्देश। टूल किट मामले में दिल्ली पुलिस ने जारी किया कांग्रेसी नेताओं के खिलाफ नोटिस, पूछताछ में शामिल होने का दिया निर्देश। पंजाब कांग्रेस में बढ़ रहे कलह पर आलाकमान और राहुल गांधी की चुप्पी से बढ़ता ही जा रहा है असंतोष। हरियाणा के CM मनोहर लाल खट्टर फोर्टिस हॉस्पिटल में अपना चेकअप कराया, वहीं किसानों के काला दिवस पर बोले कि ये किसानों का फैसला है, सरकार हर मुद्दे पर बात करने के लिए तैयार है। उत्तराखंड के पूर्व CM हरीश रावत और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम ने सरकार पर साधा निशाना, कहा प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बदहाल है। झारखंड सरकार के निर्णय पर भड़की भाजपा, कहा वैक्सीन की जगह कफन बांटने की योजना अफसोसजनक है। छत्तीसगढ़ में चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रकाश सांखला के घर पर और गोदाम पर DRI का छापा, नितिन सांखला को रायपुर ले जाने के विरोध में परिवार और व्यापारियों द्वारा दुर्ग कोतवाली में किया जा रहा है हंगामा। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा राज्य सरकार दवा सहित अन्य खर्च उठाने का स्पष्टीकरण जारी करे। हिमाचल प्रदेश में 7 महीने बाद लाहौल से जुड़ी स्पीति घाटी, मनाली काजी मार्ग खुला, चंद्रताल झील तक पहुंचना अब हुआ आसान। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा कि सरकार जानबूझकर गुज्जर बकरवाल समुदाय को जंगलों से बेदखल करने में लगी है। कोरोना से संक्रमित बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य की हालत बिगड़ी, अस्पताल में कराया गया भर्ती। ओडिशा में तूफान के कारण लैंडफॉल को लेकर मौसम विभाग ने लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का दिया निर्देश। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने बताया कि महाराष्ट्र में भी ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया गया है, ब्लैक फंगस के मरीजों का इलाज सरकारी हॉस्पिटल में मुफ्त कराया जाएगा। गुजरात की सानंद तहसील में मूछे रखने पर OBC समाज के लोगों ने दलित युवक की पिटाई, पुलिस ने मामला किया दर्ज।
गहलोत और पायलट खेमे में खींचतान जारी। कांग्रेस विधायकों ने कहा, पायलट मेरे नेता और मार्गदर्शक हैं। कोरोना काल में ग्रीन टी के इस्तेमाल से बढ़ेगी इम्यूनिटी। सेहत के लिए फायदेमंद है ग्रीन टी। इसमें एंटी माइक्रोबियल होता है जो बैक्टीरिया और वायरस को बढ़ने से रोकती है। उत्तर प्रदेश सरकारी शिक्षक भर्ती 2021 के तहत अमेठी में कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में निकली है 39 टीचिंग और नॉन टीचिंग पदों पर भर्ती। अधिक जानकारी के लिए amethi.nic.in पर देखें। विराट कोहली और रोहित ने की बबल में एंट्री। इंग्लैंड दौरे से पहले महिला व पुरुष क्रिकेट टीम का क्वारंटाइन हुआ शुरू। पिता सुनील दत्त की पुण्यतिथि पर भावुक हुए संजय दत्त। तस्वीर शेयर कर लिखा, आप मेरे लिए सब कुछ। तो ये थी दिन भर की बड़ी खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि देश और दुनिया के तमाम खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सकें अपडेट।